अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग मंडे विद फार्मेसी सहर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हम सब जा रहे हैं मिलके चंक एंड चीज में गेट टुगेदर करने के लिए। ये मेरे जूनियर्स आगे जा रही हैं और ये हम लोग जा रहे हैं। तो सर, हमने चंक एंड चीज जाना है। ये हम रस्ते में जा रहे हैं, ये कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। और हम वो जो है सामने आपको चंक एंड चीज़ नज़र आ रहा होगा। सो फाइनली हम चंक एंड चीज़ पहुँच चुके हैं। चलें अंदर जाके मैं आपको इसकी लोकेशन दिखाती हूँ, मतलब ये कैसा बना हुआ है, इसकी सीटिंग अरेंजमेंट कैसी है। सो अब हम ये अंदर जा रहे हैं। ये सारी इनकी नीचे सीटिंग अरेंजमेंट है नीचे वाली। सो अब हम ऊपर ग्राउंड फ्लोर में जा रहे हैं। ये हम ग्राउंड फ्लोर पे चढ़ रहे हैं। ये सारी इसकी लोकेशन है और फाइनली हम ग्राउंड फ्लोर पे पहुंच चुके हैं, सॉरी अपर फ्लोर पे। इनकी सीटिंग अरेंजमेंट है और ये आप देख सकते हैं ये इनका अपर फ्लोर कैसा है। ये सारी अपर फ्लोर की अरेंजमेंट है, ठीक है। और अब ये सामने इनकी कोई डेकोरेशन वगैरह हो रही है। अभी तक खाना नहीं आया, ये सारे लोग वेट कर रहे थे और अब उठ के नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए हैं। और जब तक वापस आते हैं तब तक देखते हैं। तो चले, इन्होंने साथ ही सॉन्ग शुरू कर दिए। सॉन्ग कलेक्शन क्या अच्छा है। एज यूजुअल ये गर्ल्स का फोटो सेशन शुरू हो गया है। ये सारे खाने का वेट करते करते अब ये जो है फोटो सेशन शुरू हो गया है। खाना तो कोई नहीं आया, इतना ज़्यादा वेट करने के बाद भी अभी तक खाना नहीं आया और सब तो लोगों को भूख लगी हुई है। हाय, फाइनली प्लेटों की शक्ल दिखा के हमें थोड़ा सा हौसला हो गया कि फाइनली अब हमें खाना मिलने वाला है। अब ये नहीं पता कितने टाइम तक मिलने वाला है, बस प्लेटें और केचप ही देख रहे हैं हम। स्टिल हमें खाना नहीं मिला और बोरियत भीग गया है और मुझे तो बहुत शदीद भूख लगी हुई है। और फाइनली इतने वेट के बाद इन्होंने गाना लगाया, वो भी इतना दुखी। और चले, जैसा भी लगाया जो है सुनना पड़ेगा। बाद ये खाने की शक्ल नज़र आ गई और तसल्ली हुई है कि चलो फाइनली खाना आ गया। चलो अब जल्दी से खाना शुरू करते हैं। सो फाइनली हमारे पास खाना आ चुका है। इतनी पेट के बाद ये और ये हम सब ने खाना शुरू कर लिया। तो टेस्ट करके बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। नॉट बैड, टेस्ट तो उनका ठीक है, इतना बुरा नहीं है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको कैसा लगा मिसी? हमारे पास सैंडविच बर्गर पर स्पाइस आ चुकी है, इनको भी खा के मैं टेस्ट बताऊँगी। और ये पिज़्ज़ा इनका तो बहुत टेस्ट है। सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि इनका ये वाला जो क्रस्ट है ना बहुत ज़्यादा पतला है, तो अमूमन इनका ये वाला क्रस्ट मोटा होता है। तो ये मुझे चीज़ इनकी अच्छी लगी है कि मतलब इनका ये जो क्रस्ट है ये पतला है बहुत ज़्यादा। सो गोल्डन भी आ चुकी है, अच्छा है। हम आप बर्गर ट्राई करने लगे, मैम खा के बताओ कैसे टेस्ट करके बताएंगे मरियम कि कैसा बना है, कैसा टेस्ट है। नहीं, आप खुद टेस्ट करेंगी, ये मेरा हिस्सा। चलो जल्दी से टेस्ट करके बताओ। कैसा टेस्ट है? और बिल्कुल भी हमें ये बर्गर पसंद नहीं आया, इंतहा ही लो क्वालिटी का है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मरियम ने तो रिजेक्ट कर दिया, मैंने कहा तो रिजेक्ट है।
पसंद नहीं आया बिल्कुल भी, है ना निशा? बताओ कैसा लगा? ना तो इसका चिकन पका हुआ अच्छे से और ना ही इसकी ब्रेड अच्छी है, वो भी फ्रेश नहीं है। मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, इनफैक्ट मेरे किसी भी बेटे से भी इंसान भी पसंद नहीं आया। तो आप भी कभी पिज्ज़ा तो हम सब ने खा लिया, पिज्ज़ा बहुत अच्छा था, लेकिन ये बर्गर किसी ने भी नहीं खाया और किसी को भी पसंद नहीं आया, हमें पसंद नहीं आया। मतलब सबके अपने अपने टेस्ट होते हैं, मैं भी किसी को अच्छा लग जाए तो आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। खाना खाने के बाद ये हम बाहर आ गए और ये बाहर का व्यू है, बाहर से तो व्यू बहुत अच्छा लग रहा है, ये आप देख लें। फाइनली आइसक्रीम भी आ गई है, उसी के साथ हम अपना व्लॉग एंड करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।